CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। तारुफ ड्रामा। ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है करना या करके दिखाना। अदब में ये ऐसी सिंफ है जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर के जरिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य में भी इसकी रिवायत बहुत मजबूत थी और उसको नाट्य कहा जाता था। अरस्तू ने ड्रामों को जिंदगी की नक्काली कहा है। दास्तान, नॉवेल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि उसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और जिंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की जहनी और जज्बाती कश्मकश को मकालमे और आवाज के उतार चढ़ाव के जरिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और टेलीविजन पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह ड्रामे की ही सिंफ से होता है। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीजों को जरूरी करार दिया है: किस्सा, किरदार, मकालमा, ख्याल, आराइश और मौसिकी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसिकी का उंसुर हो। प्लॉट, किरदार, मकालमों और मरकजी ख्याल का होना अलबत्ता जरूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि उसमें वाकयात की कड़ियां इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज नुक्ते उरूज तक पहुंच सकें और नाजरीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख्याल पर मरकूज हो जाए। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाकयात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के जरिए पेश कर दिया जाता है। हक़ो बातिल और खैर व शर की कश्मकश, बुनियादी इंसानी इकदार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज वाजिद अली शाह के जमाने में हुआ जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा। अमानत की इंद्र सभा भी उसी जमाने में लिखी गई जो बेहद मकबूल हुई। इंद्र सभा के असर से बाद के पारसी उर्दू थिएटर में भी रक्स व मौसिकी का खासा जोर रहा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की और आगा हशर के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। सफा 49। इसके बाद इम्तियाज अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्जा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर खसूसी तवज्जो की। कृष्णचंद्र, सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती सरन शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रिवायत को मजीद इस्तेहकाम बख्शा। सफा 49। इसके बाद इम्तियाज अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्जा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर खसूसी तवज्जो की। कृष्णचंद्र, सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती सरन शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रिवायत को मजीद इस्तेहकाम बख्शा। सबक मोहम्मद मुजीब। तारुफ मुसन्निफ मोहम्मद मुजीब। पैदाइश 1902, वफात 1985। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। इसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में
محمد مجیب نے آکسفرڈ سے جدید تاریخ میں بی اے آنرز کیا۔ برلن میں ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی۔ وہیں انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھیں۔ فرانسیسی زبان وہ آکسفرڈ میں سیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کا عہد کیا۔ فروری 1926 میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر بنائے گئے اور وہ اس عہدے پر 24 برس تک فائز رہے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی برابر لگے رہے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے نام ہیں کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبا خاتون، ہیروئن کی تلاش، آزمائش اور دوسری شام، اور بچوں کے لیے ایک ڈرامہ آؤ ڈرامہ کریں۔ مجیب صاحب صاف، سادہ اور سلیس نثر لکھتے تھے۔ ان کے مکالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے۔ نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے آزمائش کا آخری ایکٹ ہے۔ یہ ڈرامہ 1857 کے المناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ جنرل بخت خان اور اس کی ہندوستانی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے۔ رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی کی دو مجاہد خواتین سلما اور کشن کور کو پناہ دے رکھی ہے۔ بخت خان کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ صفحہ 51 پیش ہے ڈرامہ آزمائش آخری ایکٹ۔ رام سہائے مل کے مکان میں ایک چھوٹا سا دالان۔ رات ہو گئی ہے۔ ڈیوٹ پر ایک دیا جل رہا ہے۔ رام سہائے مل اس کی روشنی میں کھانا کھا رہا ہے۔ بھاگوتی اس کی بیوی آنچل سے منہ بند کیے کھڑی ہے۔ اس کو پنکھا جھل رہی ہے اور چپکے چپکے رو رہی ہے۔ رام سہائے مل کو اس کے رونے کا احساس نہیں ہے اور وہ کھانا کھاتا رہتا ہے۔ رام سہائے مل، کہو، آج پانی کافی مل گیا؟ بھاگوتی روحانسی آواز میں، ابھی شام کو رام پرشاد لے آیا، بہت دور جانا پڑا، آس پاس کے کنوؤں میں لاشیں پڑی ہیں۔ رام سہائے مل اس کی طرف دیکھ کر، رام، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا بھی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ تم کیوں بیٹھے بیٹھے جان سے بیزار ہو گئی ہو؟ کیا بتاؤں؟ پرماتما کا شکر کرو، اتنی بڑی مصیبت آئی اور گزر گئی۔ ہاں، مگر ابھی بہت چوکس رہنا ہے، دیکھتی رہنا، دروازے سے پہرے والے نہ ہٹیں۔ نہیں، میں تو برابر چکر لگاتی رہتی ہوں۔ اور کوئی اندر نہ آنے پائے، مرد، عورت، بچہ؟ نہیں، قصور ہوگا تو میرا ہوگا۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر کیا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان پہچان کی کوئی عورت یا بچہ پناہ مانگے اور میں اسے پناہ نہ دوں۔ رام سہائے مل بھاگوتی کو دیر تک غور سے دیکھ کر، معلوم ہوتا ہے تم نے مجھے بتائے بغیر کسی کو گھر میں چھپا لیا ہے۔ اب تو ہماری جان پرماتما کی دیا سے ہی بچ سکتی ہے۔ تمہارا دل اتنا کمزور ہے تو تم مجھے کیوں نہیں بلا لیتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ یہ کون مانے گا کہ میرے گھر میں آدمی چھپے ہیں اور مجھے معلوم نہیں؟ آدمی نہیں، لاوارث عورتیں، بھوکے پیاسے بچے۔ کس کی عورتیں، کس کے بچے؟ یہ میں پوچھتی ہی نہیں ہوں۔ یا پوچھا ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا ہو۔ یہ عورتیں اور بچے تو باہر سے آئے ہوں گے۔ بھاگوتی زمین پر بیٹھ کر اور اپنا منہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ بتاؤ تو یہ ہیں کون؟ کبھی پوچھ تاچھ ہو تو میں جواب تو دے سکوں گا۔ بھاگوتی سر ہلاتی ہے۔ اچھا، نہ بتاؤ۔ خاموشی۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو تمہاری زبان پر 3-4 نام رہا کرتے تھے۔ بخت خان کی آل اولاد یہاں تھی ہی نہیں،
सिधारी सिंह भी बाहर का आदमी है, क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कुंवर से ताल्लुकात थे। नहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो जमीन तैयार करने से पहले उसी को भेजता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहां। बहरहाल जहां भी हो, कोई ना कोई उसका पता देगा जरूर। अगर नहार सिंह को पकड़ लिया गया है तो शायद उसको तलाश ना करें। पकड़ लिया है? फिर जोर से रोती है। राम सहायमल, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कुंवर ने तुम्हारे यहां पनाह ली है, बेचारी। राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है, पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? भागवती सर हिलाकर, नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जेहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। राम साहेमल, राम राम राम, क्या हिम्मत है। उसको अच्छी तरह रखना, मैं भी कभी उसके दर्शन करूंगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती, एक मुसलमान बहन भी है। हाय, कौन? सलमा। अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़े भी थी। हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई। रानी किशन कुंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी, फिर वो जख्मी हो गई। रानी किशन कुंवर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुंचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है, सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फौज में मिल जाए। रानी किशन कौर कहती है कि वो भी साथ जाएंगी। राम सहायमल, देखो ये नहीं हो सकता। मैं इस पर तैयार हूं कि वो यहां छिपी रहें और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहां वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो जरूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? सलमा को कुछ मालूम नहीं। और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं? सुना है वो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें ना मालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम, सरकार, दरवाजे पर चार सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो, हम तलाशी लेंगे। राम सहायमल, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। मुलाजिम, सरकार, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। राम सहायमल, तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। नहीं, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम सहायमल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाईं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। चार सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही, बता कहाँ है वो दोनों? भागवती सहमी हुई रुहांसी मगर बहुत दबी आवाज में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ दो औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गईं। राम शरण, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी तीन आदमी फेर करो। राम शरण भागवती की तरफ बढ़ता है। राम सहायमल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो? पहला सिपाही, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललाइन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम शरण, खड़ा करो इन्हें भी लाइन के साथ। भागवती चिल्लाकर,
अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर है। पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर है, तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? है? भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे नहीं छोड़ो, छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज के दाईं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सजा चाहो दे दो, सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही सलमा और किशन कुंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कुंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे? सलमा। किशन कुंवर। पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। सफा 55। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कुंवर, हमें अफसोस इसका है कि इससे ज्यादा ना कर सके। पहला सिपाही, तो खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों, हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर तीन सिपाही उनसे तीन चार कदम हटकर और एक घुटनों को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कुंवर की नज़र आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वज्द की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर जाता है। पहला सिपाही हाथ जोड़कर, हमारी खता माफ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर ढेर हो जाती है। राम सहाय मल, जालिमो अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई निदामत के अंदाज में, हम इन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरजू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खान ने अंग्रेजी फौज की वर्दियां पहनाकर भिजवाया है कि इन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाया तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान उठ खड़ी होती है और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती है। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खान ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। पहला सिपाही, आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर मुआफी मांगता हूँ। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती हैं। मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है, हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं, हमें आपकी मुश्किल कसना होंगी और गले में रस्सियां बांधना। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मुश्किल कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे तो पीछे अटेंशन हो जाते हैं।
پہلا سپاہی روانگی کا حکم دیتا ہے۔ مشق، لفظ اور معنی۔ دیوٹ، پرانے قسم کا لکڑی کا چراغ دان۔ روانسی یا روحانسی، رونے پر آمادہ۔ جہادی عورتیں، جہاد کرنے والی عورتیں۔ مراد وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں حصہ لیا۔ امان کا پروانہ، وہ حکم نامہ جس کے ذریعے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ سنگین، ایک نکیلا ہتھیار جو بندوق کی نال پر لگایا جاتا ہے۔ فیر، فائر۔ مشکیں کسنا، دونوں بازو پشت پر باندھنا۔ غور کرنے کی بات۔ نمبر ایک، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈرامہ 1857 کے تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اس آخری ایکٹ میں لالا رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی میں شرکت کرنے والی دو جہادی عورتوں سلما اور رانی کشن کنور کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر دو، 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان مرد اور عورتوں نے برابر کا حصہ لیا۔ اس وقت یہ تفریق نہ تھی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ملک آزاد ہو جائے اور انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ مشق، سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر ایک، رام سہائے اور اس کی بیوی بھاگوتی کے خیالات میں کیا فرق ہے؟ نمبر دو، رام سہائے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس امان کا پروانہ ہے؟ نمبر تین، سپاہی سلما اور کشن کنور کی مشکیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ عملی کام، اپنی کلاس میں الگ الگ کرداروں کے ذریعے اس ڈرامے کے مکالمے ادا کیجیے۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT، نئی دلی، بھارت۔